मैंने इन दो प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करी है, ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है मेरा। हे गाइस, कैसे हैं आप साहब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा लगा आपको मेरा लास्ट व्लॉग जिसमें हम योगिता के घर गए थे और वहां पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करा था। कार्तिक ने बहुत एंजॉय करा, क्यों कार्तिक? बहुत ही मजा आ गया। मजा आया वहाँ पे? चिप्स तो अभी दे रखे, संभाल रखे हैं, केक भी दे रखा है अभी। अच्छा, तो कार्तिक जो है उसने बहुत ही ज्यादा फन और एंजॉय करा वहाँ पे। और आप अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको वो ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग, और इस ब्लॉग में हम करेंगे अनबॉक्सिंग ट्राइपॉड्स की, जो कि हमने खरीदे हैं नए। दो ट्राइपॉड्स हमने मंगवाए हैं और उनमें से देखते हैं कौन सा ट्राइपॉड ज्यादा बेस्ट है और हमें अच्छा लगता है और हम उसको यूज करेंगे। और साथ ही साथ जो है, और ये होगा हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इनटू यूट्यूब चैनल, और इसके साथ ही जो है इससे हम अच्छी ब्लॉगिंग कर पाएंगे और आगे जो है अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं उन दो ट्राइपॉड्स की। सो गाइज, अमेजोन से मैंने मंगवाया था, तो ये इस तरीके से बॉक्स में आया था। अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ अंदर क्या है। अंदर ये है वी कूल का ट्राईपॉड, तो आप देख सकते हैं नाम यहाँ पे वी कूल, 3-in-1 सेल्फी स्टिक्स है। इसे मैं खोलता हूँ अंदर से, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ऑल्दो मैंने ये जो ट्राईपॉड है पहले ही खोल दिया था और इसको यूज कर रहा था, बट फिर भी आपको मैं शुरू से दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे मेरे को ये आइटम मिली थी। तो ये जो एक जो सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड है वो मुझे मिला एक पॉलिथीन के अंदर, राइट। और इसके अंदर और क्या चीजें हैं, तो इसके साथ साथ एक यूजर मैनुअल है जो आपको बताता है कि ये ट्राईपॉड को आपको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, राइट। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर दे रखी हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन टाइप की गाइड है, जो अगर आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। वैसे कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। इसको ट्राइपॉड है, इसको आप ट्राइपॉड नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये ट्राइपॉड के साथ साथ सेल्फी स्टिक भी है। तो आपको मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो है आप अपना जो मोबाइल कैमरा है वो यहाँ पे, मोबाइल को यहाँ फिट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से आप फिट कर सकते हैं, राइट। ऐसे आप इसको फिट कर सकते हैं, और ये जो है 360 डिग्री रोटेट भी होता है। ये देखिए कैमरा है, आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप जो है इसको वर्टिकली लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट, और अगर आप इसको हॉरिजेंटली लगाना चाहते हैं तो इसको हॉरिजेंटली भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको फिर दोबारा से मतलब इनको खोलना होगा और इनको जो है यहाँ पे आपका कैमरा जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो है आप इसको घुमा भी सकते हैं, देखिए कितना इजी है इसको घुमाना, बहुत ही इजी तरीके से ये मूव होता है। आप इसको चाहे किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक स्क्रू भी यहाँ पर है इसको टाइट करने के लिए। आप इसको खोल देंगे तो ये बिल्कुल लूज हो जाएगा, राइट। और अगर आपको थोड़ा टाइट करना है तो आप इसके स्क्रू को घुमाइए कुछ इस तरीके से, और आपका स्क्रू जो है वो टाइट हो जाएगा। बहुत ही आसान है इसका जो भी है। और अगर हम इसको अगर मैं इसको ट्राइपॉड बनाना चाहता हूँ तो इसको ट्राइपॉड बनाने के लिए कुछ इस तरीके से मैं इसको ट्राइपॉड बना सकता हूँ, आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ ये जो ट्राइपॉड है वो सेल्फी स्टिक भी बन जाता है। ये देखिए इस तरह का इसका टोटल साइज होगा। तो टोटल जो साइज है इस सेल्फी स्टिक का वो है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर तक जो है इसको आप बढ़ा सकते हैं। और इसका जो टोटल वेट है वो है 113 ग्राम्स, तो 130 ग्राम्स का है ये टोटल। तो बहुत ही लाइट वेट है, अच्छा है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, राइट। एक चीज जो मेरे को अच्छी नहीं लगी है वो ये है, जब मैं इसको फुल्ली खोल दूंगा और मतलब इसको पूरा जितना भी ये बढ़ सकता है उतना बढ़ा दूंगा 60 सेंटीमीटर तक, उसके बाद में अगर उसमें अपना मोबाइल जो है लगाता हूँ तो उसके बाद जो इसका बैलेंस है वो सही से नहीं हो पाता। और ये इजीली इसकी जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी है, काफी ग्रिप है, जो कि आप हर तरह के जो भी फोन्स हैं उनके अंदर आप इसको लगा सकते हैं,
राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक रिमोट भी मिलेगा आपको। इसको अगर मैं निकालूं तो हाँ, कुछ इस तरीके से इस रिमोट को मैं निकाल सकता हूँ। और इसके अंदर जो है इनबिल्ट एक बैटरी भी है। कैमरे को आपने स्टार्ट करना है, कैमरे को एंड करना है, तो उसके लिए कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट, वीडियो ऑफ करने के लिए, राइट। और कुछ और कोई पर्पज नहीं है इसका। तो अगर आप इस बटन को दबाए रखेंगे तो इसमें से एक लाइट जलेगी जो कि आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते। तो गाइज अब बात करते हैं इसके प्राइस की। सो मैंने इस ट्राईपॉड को अमेजोन से खरीदा है और इसका जो प्राइस है 549 रुपीज है। तो 549 रुपए में, 549 रुपीज में मैंने इसको परचेज कराया। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी ग्रिप है, कहीं पर भी आप इसको ले जा सकते हैं। आप आउटडोर ब्लॉगिंग करनी है तो आप इसको आउटडोर ब्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंडोर ब्लॉगिंग करनी है, आपको जस्ट एक स्टैंड की तरह, मतलब आपका कैमरा जो है वो एक जगह पर रखा रहे और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अब तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी दूसरा जो ट्राईपॉड है उसके थ्रू मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रहा हूं और इसका जो है अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूं इस समय। तो गाइज ये जो है दूसरा प्रोडक्ट है, ये है, मैं आपको दिखाता हूं बाहर। तो ये अमेजोन की पैकेजिंग है, इसमें जो है शेरशाह मूवी का जो है इन्होंने एडवर्टीजमेंट दे रखा है। चलिए अंदर देखते हैं कि अंदर क्या है। तो अंदर एक बॉक्स है, इसको मैं अलग से रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो ये बॉक्स है वो मूवी लाइफ का ट्राईपॉड इसके अंदर है। तो बॉक्स कुछ इस तरीके से है, खुली आपको विजिबल होगा। इस तरीके का जो ट्राईपॉड है, ये ट्राईपॉड कम सेल्फी स्टिक है, इस तरीके की है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अंदर कुछ ये आइटम है, और अगर मैं सब बाहर निकालूं तो क्या है। इस बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ और यहाँ पर मुझे मिलती हैं, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर मुझे मिलती है ये चार आइटम इस बॉक्स के अंदर। तो फर्स्ट आइटम अगर मैं देखूँ तो ये है आपका, ये यूजर इंस्ट्रक्शन हैं कुछ इस तरह की, आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं साइड में रख सकता हूँ। और यहाँ पे इनका जो है टेक्निकल सपोर्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप किसी तरह की अगर प्रॉब्लम इस सेल्फी स्टिक में या इस पर्टिकुलर ट्राईपॉड में है तो आप ले सकते हैं हेल्प। इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। तो पहले बात करते हैं ट्राईपॉड की और इसे साइड में रख देते हैं। तो गाइस ये है मोबीलाइफ कंपनी का ट्राईपॉड, मोबीलाइफ कंपनी का ट्राईपॉड है। और इसका जो ये एडजस्टमेंट करने वाली जो चीज है, जो ये एडजस्टमेंट हम जो कर सकते हैं इसके अंदर, वो कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको साउंड से पता लग रहा होगा कि किस तरीके से ये एडजस्ट हो रहा है, राइट। फिर हम बात करते हैं फोन की ग्रिप के लिए, जो यहाँ पर बना रखा है फोन को, जहाँ पर हमें अटैच करना है जब भी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कैमरा यूज कर रहे हैं, तो फोन को हम यहाँ पे लगा सकते हैं इजीली। तो यहाँ से बहुत ही अच्छी ग्रिप है यहाँ पे, और आपका जो फोन है वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, आसानी से इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। अगर मुझे इसे स्टैंड करना है तो इस तरीके से रख सकता हूँ मैं, राइट। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें जो है बैलेंसिंग बहुत ही अच्छी है। अगर आप अपने फोन को, अगर आपका फोन ज्यादा हैवी भी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेट को आसानी से बैलेंस कर लेता है, राइट। अब मैं दिखाता हूं इसका साइज, कुछ इस तरह का साइज है इसका, देख सकते हैं आप। और सेम थिंग यहां पर हमारे को दिया जाता है एक रिमोट, जो कि वही सेम चीज है जो कि वी कूल के अंदर थी, जो पहले मैंने ट्राईपॉड दिखाया वैसा ही सेम कुछ इस तरह का रिमोट है, राइट। अब इसको मैं अंदर डाल देता हूं और इस रिमोट में ऑल्दो एक पहले से एक बैटरी डली हुई है, बट एक एक्स्ट्रा बैटरी हमें कंपनी की तरफ से मिलती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस ये जो ट्राईपॉड है वो बहुत ही अच्छी बिल्ट क्वालिटी का है, इसकी जो प्लास्टिक वगैरह है और जो इसका अंदर का स्टील फ्रेम है वो बहुत ही अच्छा है,
और इसका जो वेट है वो भी ज्यादा नहीं है। तो बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये जो ट्राईपॉड है वो 599 रुपीस का है। 599 रुपीस में मुझे नहीं लगता कि ये ट्राईपॉड ज्यादा महंगा है, बहुत ही अच्छा। ये मैंने अमेजोन से परचेस करा है। अगर आप किसी सेल या पर्टिकुलर डिस्काउंट के साथ अगर परचेस करते हैं तो आपको ये और भी सस्ता मिल जाएगा। तो दोनों ही ट्राईपॉड्स में से मुझे ये ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसके साथ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है और इसमें जो है स्क्रू से एडजस्ट करने का सिस्टम नहीं है, आसानी से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ अपने कैमरा को किसी भी एंगल में, राइट। इसके साथ साथ मुझे एक एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कौन सा ट्राईपॉड जो है ज्यादा बेटर है, अगर आपने पास्ट में कभी इन दोनों ट्राईपॉड में से कोई ट्राईपॉड यूज करा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सा ट्राईपॉड ज्यादा बेटर है। और अगर आपने कोई और कंपनी का ट्राईपॉड अगर यूज करा है इसके अलावा, इन दोनों ट्राईपॉड्स के अलावा, प्लीज उनके बारे में भी बताइएगा। दोनों ही ट्राईपॉड्स के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेजोन से मैंने जो परचेस करे हैं, और आप वहाँ अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो आप भी वहाँ से खरीद सकते हैं और अपने वीडियोस और अपने ब्लॉग्स जो है उसे शूट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जो अपने वीडियो को जो है यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ये चैनल, इसके अलावा इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।